इस बार के परीक्षा परिणाम भी हम पिछली बार की तरह ही छात्रों के सहूलियत के लिए डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा रहे, जिससे कि भविष्य में कभी भी उनको ऑनलाइन यदि अपना परिणाम देखने की जरूरत होगी तो उच्च माध्यमिक की तरह ये परिणाम भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे, जो एनी टाइम एनी वेयर वो रिट्रीव कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी डिजी लॉकर के माध्यम से। डिजी लॉकर पे आजकल लगभग प्रत्येक विद्यार्थी अपना लॉगिन अकाउंट बनाता है तो उसके ऊपर ये वो रियल टाइम भी उपलब्ध हो पाएगा, जो उनके लिए भविष्य के लिए काफ़ी सही होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए उचित होगा। तो ये सारे परिणाम उसके ऊपर उपलब्ध रहेंगे। यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 4 परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे, और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक, इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है, पूरी सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनके सभी अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई। यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 4 परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे, और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक, इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है, पूरी सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनके सभी अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई।